नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार इस वीडियो में आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा और ये भी समझेंगे कि कैसे ये डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से डिफरेंट होती। तो पहले देखते हैं कि आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में किस सिद्धांत का यूज किया जाता है। हम जानते हैं कि अगर कोई मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है तो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में डिफरेंट कंपोनेंट का जो डेंसिटी होता है वो डिफर करता है आपस में, और इसी गुण का इस्तेमाल करके, इसी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम लोग मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं। तो हमने क्या देखा कि आइसोपिकनिक है क्या, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन टेक्निक है, जिसमें हम लोग क्या गुण का इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर्टीज का, डिफरेंस इन डेंसिटी बिटवीन कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, आपके जो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर है उसके डेंसिटी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसको करने का क्या क्या स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स में डेंसिटी ग्रेडियंट प्रिपेयर करते हैं। मान लीजिए कि हम सुक्रोज का ग्रेडियंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली डेंसिटी इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप में लोअर डेंसिटी और बॉटम में हाई डेंसिटी। तो कैसे करते हैं, 60% मतलब पहले हम लोग 60% सुक्रोज सॉल्यूशन बनाते हैं और इस ट्यूब में भर देते हैं। कुछ देर भरने के बाद 40% का सॉल्यूशन डालते हैं, फिर क्या है 20% का सॉल्यूशन डालते हैं, धीरे धीरे डालते हैं ताकि ग्रेडियंट बिल्कुल नजर आए, नहीं तो आसानी से शुरू में ही अगर आसानी से अगर ग्रेडियंट नहीं बनाए तो पूरा मिक्स हो जाए। तो धीरे धीरे हम लोग डालते हैं सावधानी पूर्वक। डालने के बाद कभी हम लोग ऐसा नहीं मिस्टेक नहीं करें कि पहले लोअर वाले नीचे डाल दें और हाईर डेंसिटी वाले ऊपर डालें, तो ऐसी स्थिति में आपका काम गड़बड़ा जाएगा। तो हमने हमेशा जो डेंसिटी होना चाहिए लोअर बॉटम पर हाई होना चाहिए और टॉप पर क्या होना चाहिए, लो डेंसिटी होना चाहिए। अब क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनेल्स, जो आपने टिश्यू को होमोजेनाइज करके मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनेल्स को है ना निकाला है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनेल्स है आपके पास, उसको आप उसके बॉटम पर रखते हैं जो कि आपका सैंपल है, और नीचे में क्या है ग्रेडियंट है। क्या चीज का ग्रेडियंट है, सुक्रोज का ग्रेडियंट। आप दूसरे भी सॉल्यूशन का ग्रेडियंट बना सकते हैं लेकिन काफी फ्रिक्वेंटली सुक्रोज ग्रेडियंट का इस्तेमाल आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में किया जाता है। अब हम लोग करते क्या है, आप इस ट्यूब को हाई स्पीड पर घुमाते हैं और हाई स्पीड पर घुमाने के बाद होता क्या है कि ऑर्गेनल सेडिमेंट करने लगते हैं, नीचे जाने लगते हैं, और नीचे दौरान जाने में समय में एक बॉयंसी डेंसिटी जो कि लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है तब तक सेडिमेंट नहीं करते हैं या जिस लेयर में आके तब तक नहीं बैठते हैं जब दोनों एक दूसरे के क्या हो बराबर हो जाए। तो हो रहा है क्या कि अगर ट्यूब को आप हाई स्पीड से सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो इंडिविजुअल ऑर्गेन्स है सेडिमेंट करते हैं अंटिल देयर बवंसी डेंसिटी, बवंसी जो डेंसिटी है जो लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है एक्जैक्टली मैचेज विद द ग्रेडियंट, जिस ग्रेडियंट पर उस सॉल्यूशन का बवंसी डेंसिटी उस ऑर्गेन्स का सॉरी ऑर्गेन्स का बवंसी डेंसिटी बिल्कुल बराबर हो जाता है तो वो बिल्कुल वहीं पर अस्थिर हो जाता है, स्थिर मतलब रुक जाता है। और लास्ट में हम लोग ईच लेयर को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं सेपरेटली, जो भी अगर बात सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ईच लेयर जो है उसको हम लोग क्या करते हैं सेपरेटली कलेक्ट करते हैं। तो इसमें डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन से ये थोड़ा सा डिफरेंट इस मामले में है कि आप एक ही बार स्पीड में सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और सारे ऑर्गेनेल्स अपने अपने डेंसिटी के अनुसार सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन में आप स्टेप बाय स्टेप मैनर, स्टेप बाय स्टेप पहले कम स्पीड पर फिर ज्यादा स्पीड पर करते हैं सेपरेट आउट करने के लिए। तो ये मेजर डिफरेंस है सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन और आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन में। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई नया वीडियो बनाने की सूचना तुरंत प्राप्त हो। अपना कॉमेंट या कॉमेंट सुझाव बॉक्स में लिखें, आपका कमेंट नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। थैंक यू।